यानी 9 नवंबर को कटिहार के बड़ा बाजार पटेल चौक के पास सरेशम राजेश यादव को दो अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई थी। गोली चूंकि सर पर लगी थी इसलिए मौके पर ही राजेश यादव की मौत भी हो गई। यह हत्याकांड कटिहार जिला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कटिहार पुलिस की कई टीमें शहर के अलग अलग स्थानों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी। इस मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार द्वारा एसडीपीओ शशि शंकर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया था। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तथा पुलिस टीम द्वारा बनाई गई स्केच के आधार पर पहले शूटर की शिनाख्त कर ली गई। इस शूटर का नाम अमन खान था। इसे लोग अम्मार खान के नाम से भी जानते हैं। इसके पिता का नाम मोहम्मद वसीर खान बताया जा रहा है। यह कटिहार के कोलीपारा का रहने वाला है। शूटर के साथ सहयोगी के रूप में जो दूसरा आरोपी मौजूद था उसका नाम उमर फारूक है। फारूक भी कटिहार के कोलीपारा का रहने वाला है। इसके पिता का नाम मोहम्मद असलम है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक राजू पाठक है जो कटिहार के भेरिया रहिका जयप्रकाश नगर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम शशि भूषण पाठक है। इस पूरे घटनाक्रम को सजाने में और अंजाम तक पहुंचाने में जिस शख्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई है उसका नाम है सलीम डॉन उर्फ मोहम्मद सलीम अंसारी, जो कटिहार के महमूद चौक का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सलीम डॉन ही वह शख्स है जिसने शूटर का अरेंजमेंट किया और सीधे तौर पर उसके संपर्क में था। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया है कि मामले का उद्भेदन तो कर लिया गया है, लेकिन जांच के दौरान इस घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटिहार जिला के नगर थाना क्षेत्र में पटेल चौक पर 9 नवंबर को करीब 8:30 बजे रात्रि में एक राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको काफ़ी प्रमुखता से जो है मीडिया में भी उसको दिखाया गया था और ये केस भी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और एसडीपीओ सदर इनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ। करीब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन हम लोगों ने किया, जो जिस बात को भी आप लोग भी जानते हैं। हालांकि केस जो है 11 नामजद के विरुद्ध जो है मृतक की पत्नी के द्वारा किया गया था, फिर भी हम लोग इंटरेस्टेड ये थे कि आखिरकार जो मेन शूटर है वो कौन है और फिर उसके थ्रू हम लोग पता लगाएं कि किसके द्वारा जो है ये घटना करवाई गई है। तो सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों को सफलता मिली और शूटर की पहचान हुई। शूटर का नाम जो है वो अमन खान है, जिसने गोली मारी है, एक ही गोली मारा है, वो पकड़ा गया है। फिर उसके स्टेटमेंट के आधार पर पूरी कहानी ये है कि जो मृतक हैं राजेश यादव, उनका एक भाई है मुकेश यादव, ये जब जेल गए थे करीब 10-11 साल पहले, उसमें क्या हुआ कि एक मनीष ठाकुर नाम का एक आदमी है, उसने जो है ज़मीन मुकेश यादव से 5.5 एकड़, जो शहर के जस्ट बगल में ही है, काफ़ी कॉस्टली ज़मीन है, उसने उसे रजिस्ट्री करवा ली। जब राजेश यादव जब जेल से निकलते हैं तो जो म्यूटेशन के लिए जो अप्लाई किया था उसका वो विरोध करते हैं, उसका म्यूटेशन नहीं होता है। काफ़ी प्रयास ये लोग करते हैं, वो म्यूटेशन नहीं होता है। फिर मनीष ठाकुर ने राजू पाठक, रुस्तम, सलीम अंसारी एवं अन्य लोगों के नाम पर वो ज़मीन पर रजिस्ट्री कर देता है, ताकि हो सकता है कि ये इन लोगों के भी दबाव में आकर के उसका म्यूटेशन जो है वो कराया जा सके। परंतु जो मृतक है वो अभी भी जो है वो इन लोगों की बातों में नहीं आता है और वो म्यूटेशन का विरोध करता है। इसमें ये जितने भी लोग हैं जो लाभान्वित होंगे, इन सभी लोगों ने शूटर को हायर किया है और इस शूटर ने जो है करीब
एक महीने का रेकी किया है और इसको जो पैसा भी जो है कई लाखों का डील हुआ और उस जमीन में से 2 कट्ठा भी देने की उसको डील हुई शूटर को, क्योंकि 5.5 एकड़ है, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है वो। इसमें जो मेन जो लोग हैं, जो राजू पाठक है वो भी पकड़ा गया है, मोहम्मद सलीम अंसारी है जो कि ये डायरेक्ट जो है शूटर के कांटेक्ट में है, सेटिंग जो किया है शूटर का वो भी पकड़ा गया है, अमन खान जो है वो शूटर है वो भी पकड़ा गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार वो भी बरामद है, उमर फारूक जो कि जो शूटर है उसका सहयोगी है वो भी पकड़ा गया है। ये अभी तक हम लोगों ने इस पूरे केस का उद्भेदन कर दिया है, शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरा केस खुल चुका है। अब जितने भी इसमें लोग हैं संलिप्त हैं वो सभी लोग को हम लोग विधिवत जो है जो बाकी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। एक गोली मारा था, देसी पिस्टल है, एक गोली जो है मारा था वो आप लोग को भी पता है और वो घटना के समय में भी हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एक गोली की बात आई थी, पर उसने जो है सटा करके पीछे से, वो अंधेरा था वहाँ पर, उसने सटा करके इसको मारा था। इसका कहना था कि वो एक महीने से उसका जो है रेकी कर रहा था। सर, इन लोगों को पॉलिटिकल बैकिंग भी दिया किया जा रहा था, इस तरह की बातें आई है क्या? बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो वी विल स्पीक विथ एविडेंस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ज़मीन का मामला है। तो ये लोग जो है बेसिकली ये जितने लोग हैं, ये मनीष ठाकुर, रुस्तम, राजू पाठक, ये सब यहाँ पर ब्रोकरी का काम करते हैं ये सभी लोग। तो जो भी आपका कंसर्न है, जो भी बिंदु है, हम लोगों को पिटीशन भी मिला है, जो पीड़ित पक्ष है उन लोगों के द्वारा भी, जो महिला मृतक की जो पत्नी है उनके द्वारा भी जो है कई बार जो है हम लोगों को कई सारी बातें जो हैं अपना कंसर्न बताया गया है। तो हम लोग पूरी एविडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी एविडेंस आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्केच भी कुछ बताओ। यस, वो भी हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो देखना स्टार्ट किया, तो कई सीसीटीवी फुटेज जो कि आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं हम लोगों ने देखा धैर्यपूर्वक, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और जो उसमें फ़ोटो आया उसमें हम लोगों ने स्केच भी जो है बनवाया था और कई स्केच हम लोगों ने बनवाए, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें हम लोग को सफलता मिली है।